हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, दुकान खोलें, आप सब रेडी हैं? अच्छा जी, आज ना हम जो है पेज नंबर, हाँ वही गली नंबर 186 पर आएंगे। आप सब आना बेटा गली नंबर 186 पर, 186 पर आपको एक टॉपिक दिखेगा बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप सब बेटा गली नंबर 186 पर आएंगे, वहां पर आपको एक टॉपिक दिखेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जयकारा आ जाए बेटा, क्या दिखेगा? सारे बच्चे बोलेंगे क्या? ठीक है ना, आओ जरा इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। चलो जी, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर, सबसे पहली बात एमओए की डेफिनेशन पर है। सबसे पहली बात अगर मैं आपके साथ करूं तो वो क्या है बेटा, एमओए की डेफिनेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है बेटा? देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो बेटा ये कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक बार जगह लगाओ, कंपनी का ये एक जिसमें कंपनी के बारे में 6 बातें लिखी होती है, है ना। तो यानी एमओए एक डॉक्यूमेंट का नाम है। एक बात हमारे को क्लैरिटी हुई है कि एमओए क्या है बेटा, एक डॉक्यूमेंट का नाम, ठीक है ना। और दूसरा, इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के बारे में 6 बातें लिखी होती हैं, और अगर आप 1% कंपनी है तो 6+1, अदरवाइज 6। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस और नो? तो अगर मैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करूं, किसकी? मेमोरेंडम की। तो बताओ इन्होंने क्या कहा, कंपनी लॉ में कहा मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। आजो जी, आजो। हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेटा, ये कंपनी के एक डॉक्यूमेंट का नाम है। तो आपको लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? कह रहे मेमोरेंडम का मतलब पूरे कंपनीज एक्ट में, पूरे कंपनीज एक्ट में अगर आपको कहीं पर भी मेमोरेंडम वर्ड दिख जाता है तो आपको मेमोरेंडम क्या मानना है, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम मींस, आवाज में दम नहीं है, मेमोरेंडम मींस एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, एज यानी जो आपने कंपनी बनाते वक्त, कल आपने पढ़ा था कंपनी बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और उनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कह रहे कंपनी का एमओए आपको किसको मानना है, जो आपने जिस समय कंपनी बनी थी ओरिजिनली फ्रेम हुई थी उस समय जो आपने सबमिट करा था ना उसको मानना है। तो देखो क्या कह रहे हैं, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम, जयकार लगाओ, एज ओरिजिनली, या फिर कंपनी बनने के बाद कई बार आपके एमओए में चेंजेस भी आ जाते हैं, तो फिर चेंज होने वाले जो आफ्टर चेंज वाला एमओए है वो आपकी कंपनी का एमओए माना जाएगा। वैसे तो एमओए कौन सा होता है, जो आपने जिस समय कंपनी बनी थी ओरिजिनली वो सबमिट करा था वो आपका एमओए है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके एमओए में ऑल्ट्रेशन हो जाती है, एमओए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर चेंजेस हो चुके हैं तो चेंजेस के बाद वाला जो एमओए है ना वो एमओए माना जाएगा कंपनी का। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो एक बारी मेरे साथ डेफिनेशन को आप लर्न करने की कोशिश करेंगे,
तो आपको याद हो भी जाएगी। एक बार जयकारा आंट दो, क्या है? मेमोरेंडम मींस, बेटा आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ जी आप सब ये डेफिनेशन लर्न करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी हेल्प हो जाएगी। तो आप जरा सुनना, मैं आपके साथ क्या स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आज का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें, जो आपको गली नंबर 186 पर मिल जाएगा। और आप मेरे साथ बोलना भी स्टार्ट करें, मेमोरेंडम मींस क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। एक बार फिर बोलेंगे क्या? मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ऑल्टर टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी, मेमोरेंडम की डेफिनेशन तो समझ आ गई। दूसरी बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा देखो, पहली बात तो ये कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के बारे में 6 बातें बताता है, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, ये क्या है? कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है ये, और ये कंपनी का चार्टर बताता है। तो यानी ये सबसे पहली बात ये क्या है, ये एक वाइटल डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का एक वाइटल डॉक्यूमेंट है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, समझ रहे आप? द एमओए ऑफ द कंपनी इज इनफैक्ट चार्टर ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली कंपनी का डिफाइन करता है, कंपनी को डिफाइन करता है कि कंपनी एक्चुअल में है क्या क्या, ठीक है ना? तो यानी ये वाइटल डॉक्यूमेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी एज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? चार्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, दूसरी बात, ये कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये बिल्कुल करीब है ना, तो यहां जब टच होता है ना, वो कह रहे हैं जो एमओए है ना, वो कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। सर व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? कह रहे एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है। एक बार से कारा लगाओ, सेक्शन नंबर ऑफ द 2000, दोबारा सेक्शन नंबर कौन सा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? कि जो एमओए है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो एमओए है वो एक, जो एमओए है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब बताऊं क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको पब्लिक में से कोई भी बंदा, चाहे वो कंपनी का मेंबर है या नहीं, पर वो उस डॉक्यूमेंट पर एक्सेस कर सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी कॉपीज ले सकता है। पब्लिक में से कोई भी पर्सन, अगर पब्लिक में से कोई भी पर्सन क्या कर सकता है बताओ? किसी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है पब्लिक। तो एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन, समझ आ गया? जब मैं बोलते तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक वेदर मेंबर और नॉट, कह
कह रहे एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक वेदर मेंबर और नॉट कैन इंस्पेक्ट क्या द एमओए। और एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसा कौन कहता है बेटा? सेक्शन नंबर, समझ आ रहा है आपको? आपने दो बातें मेरे साथ कर ली है, एमओए की डेफिनेशन कर ली आपने, सबसे पहले मेरे साथ क्या करी एमओए की, और फिर आपने उसकी क्या पढ़ी इंपॉर्टेंस। आओ जरा एक बार रिवाइज करते हैं। बताओ बेटा आज हमने टॉपिक स्टार्ट करा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक बार जकारा आण दो क्या है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन भी बहुत आसान है, बताओ क्या? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ। और फिर अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, अगर मैं एमओए की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हाउ मेनी इंपॉर्टेंस आर देयर? पहला, यानी ये कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ऐसा मैं नहीं कहता, सेक्शन नंबर 399 कहता है। और जब भी किसी डॉक्यूमेंट को हम ये कह देते हैं ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को ये कह देते हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो फिर पब्लिक में से कोई भी, चाहे वो कंपनी का मेंबर है या नहीं है, चाहे वो कंपनी का मेंबर है, वो उस डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकता है। क्लियर हो रहा है यहां तक का पॉइंट? ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट, नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड विदाउट एमओए, बिना एमओए के कोई कंपनी बन ही नहीं सकती, बिना एमओए के कोई कंपनी बन ही नहीं। एक बार जकार लगाओ, कोई भी कंपनी बिना एमओए के नहीं, मजा नहीं आ रहा, कोई भी कंपनी बिना एमओए के नहीं। तो सर अगर मेरा कंपनी बनाऊंदा जी करदा की करिए, एमओए आंदा नहीं? नहीं नहीं, गुस्सन गुस्सन सब ठीक होएगा यार, आपका कंपनी बनाने का जी करदा पर आपको एमओए बनाना आंदा नहीं, तो फिर की करिए। तो लॉ ने क्या कहा, अगर आप एमओए अपना खुद का बना सकते तो बना लो, नहीं बनाते तो शेड्यूल। अच्छा, कंपनी एक्ट में टोटल कितने शेड्यूल थे? 7 में से जो शेड्यूल नंबर 1 है ना, जो शेड्यूल नंबर कौन सा है, उसमें ना बने बनाए एमओए पड़े हुए हैं, आप वो उठा लो। देखो यार, दो चीजें, या तो आप खुद बना लो या फिर जो बने बनाए पड़े हैं उनको अडॉप्ट कर लो, और जब आप उनको अडॉप्ट करो तो आप एज इट इज भी अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो। यस और नो? समझ आ गया आपको? तो एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन एमओए, हर कंपनी के अपने एमओए होना चाहिए, पर अगर जो कंपनी अपने एमओए नहीं बना रहे या नहीं बना पा रही, तो उनको कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में 5 टेबल बनाकर दे रखे, टेबल ए बी सी डी ई, टेबल टेबल ये दे रखे, कह रहे वहां से उठा लो टेबल और क्या बना लो, एमओए बना लो और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा दो। पॉइंट समझ आ रहा है? नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट एमओए, दैट इज एवरी कंपनी शैल हैव इट्स एमओए। तो बताओ बेटा, अगर कोई कंपनी अपने एमओए को नहीं बना पा रही, अगर कोई कंपनी अपने एमओए नहीं बना पा रही, तो बेटा उसके लिए 5 टेबल दे रखे हैं। दे देखो,
और ये पांचों के पांचों टेबल बताओ कहां दे रखे हैं, शेड्यूल नंबर वन में। बताओ बेटा, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, हर तरह की कंपनी के लिए हर तरह का एमओए बनकर तैयार है। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स खोल रहे हो, जयकार लगाओ, अगर आप कंपनी बलि बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एमओए यूज करना कौन सा, जो टेबल ए में दे रखा है। और अगर आप कौन सी कंपनी बना रहे हो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग, तो बताओ टेबल नंबर कौन सा। समझ गया, टेबल नंबर सी किसके लिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग। और बताओ बेटा, टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और लास्ट टेबल नंबर ई, एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो पांच तरह के टेबल्स हैं, हमें याद भी हो गए हैं। तो बताओ बेटा, फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ एमओए, बताओ बेटा कहां दे रखे हैं, शेड्यूल नंबर, शेड्यूल वन में दे रखे हैं। कौन कौन से टेबल हैं, टेबल ए किसके लिए, आप मेरे साथ बोलना स्टार्ट करोगे आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बताओ क्या है, एमओए ऑफ द कंपनी कौन सी, लिमिटेड बाय, और दूसरा टेबल, टेबल नंबर बी, एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग फिर टेबल नंबर कौन सा, ये टेबल नंबर कौन सा, एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। आपको तीन टेबल समझ आ गए हैं। टेबल नंबर फोर कौन सा होगा बताओ, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल नंबर ई कौन सा होगा, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल नंबर डी की बात कर लेते हैं, एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी डज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और लास्ट टेबल नंबर कौन सा, टेबल नंबर ई, जो क्या बताता है बताओ, एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग हाँ जी, समझ आया यहां तक का, वेरी गुड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो जरा सुन लेंगे, फिर हम इसके अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे एमओए से रिलेटेड ही। तो बताओ बेटा, एमओए का सबसे पहले हमने करी डेफिनेशन। बताओ एमओए की डेफिनेशन क्या कहती है, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। फिर मेमोरेंडम की हमने इंपॉर्टेंस स्टार्ट करी, हमने इंपॉर्टेंस स्टार्ट करी, तो इंपॉर्टेंस कितनी है, दो। पहला क्या, ये कंपनी का वाइटल डॉक्यूमेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एज इट कंटेन्स फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी को इसलिए, इसको कंपनी की, इसके पास छह बातें लिखी होती है, तो इसलिए ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। समझ आ गया आपको, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कह दिया गया है। और दूसरी बात, ये कंपनी का क्या है, एक कंपनी का ये क्या है, ये कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको किसने कहा, सेक्शन नंबर
सेक्शन 399 ने कहा ये तुम क्या हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, और जैसे ही मैंने बोल दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन इंस्पेक्ट इट वेदर ही इज अ मेंबर और नॉट, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने अगला पॉइंट स्टार्ट करा कि कोई भी कंपनी बिना एमओए के बन ही नहीं सकती, तो क्या अगर किसी को एमओए बनाना नहीं आ रहा तो वो कंपनी भी नहीं बना पाएगा? तो जवाब आ रहा है वो कंपनी फिर भी बना पाएगा। कैसे बना पाएगा? बाय यूजिंग द टेबल, बाय यूजिंग द टेबल गिवन अंडर शेड्यूल वन। और हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? टेबल नंबर ए क्या है? टेबल नंबर ए क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। टेबल नंबर बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैविंग। अच्छा टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी डज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट कर रहे हैं एमओए से रिलेटेड, कंटेंट ऑफ एमओए। सर बहुत देर से आप कह रहे थे कि कंपनी के एमओए में 6 बातें लिखी होती है, तो वो कौन सी बातें लिखी होती है वो सब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और आप सब मेरे साथ हेडिंग बना रहे हैं क्या, कंटेंट ऑफ एमओए या फिर क्लॉजेस इन एमओए। आप सबको एक हेडिंग बनानी है, बताओ क्या, कंटेंट ऑफ एमओए या एमओए में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, जिन्हें आप पैराग्राफ्स कहते हैं ना एमओए के डॉक्यूमेंट्स में, उसको क्या कह दिया गया, क्लॉजेस, है ना। तो बताओ, तो जवाब क्या आता है, वैसे तो 6 क्लॉजेस होते हैं। कितने क्लॉजेस होते हैं बेटा? 6। उसमें से बेटा पहले क्लॉज का नाम है बेटा नेम क्लॉज। पहले क्लॉज का नाम क्या है बेटा? आवाज में दम नहीं है। फर्स्ट क्लॉज का नेम क्या है? नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है, और जब नाम लिख रहे होते हैं तो नाम लिखते वक्त कंपनी लॉ में कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रखी है कि आपको कुछ वर्ड्स को एज सफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो कौन सी कंपनी को कौन सा यूज करना पड़ेगा वो सब भी अभी ही डिस्कस हो जाएगा। तो बताओ बेटा, पहला क्लॉज हमने स्टार्ट करा है नेम क्लॉज। देखो जी, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको अपने नाम के एंड पर क्या लगाना है? लिमिटेड। तो हम ऐसा करते हैं, इस पे लिखा क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी, है ना। और बताओ बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं काइंड्स ऑफ कंपनीज और उनके नाम के एंड पर क्या वर्ड यूज हो गए, यानी सफिक्स। तो सफिक्स के रूप में अगर आप बताओ बेटा, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी बता रहा हूं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को क्या यूज करना है? लिमिटेड। ठीक है जी, दूसरा देखो बेटा क्या बोल रखा है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना है किसको? तो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड पर क्या यूज करेगी? प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप 1% कंपनी है, अगर आप कौन है? 1% कंपनी, तो आपको अपने नाम के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड लिखना ही है, लेकिन बिलो इट्स नेम, बिलो इट्स नेम आपको यह भी मेंशन करना है ओपीसी। हम क्या पढ़ रहे हैं, एमओए में 6 पैराग्राफ बनते हैं, 6 क्लॉजेस आते हैं, और पहले क्लॉज का नाम है नेम क्लॉज, और नेम क्लॉज बनाते वक्त लिखते वक्त कंपनी का नाम लिखा होता है, और नाम के एंड पर कौन सा वर्ड यूज करना है वो भी इसी ने क्लियर कर दिया। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के एंड पर क्या लगाना है? लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी को? प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी को? प्राइवेट लिमिटेड एंड बिलो इट्स नेम ओपीसी। फिर बात आती है अंडर सेक्शन 8 कंपनी की। देखो अंडर सेक्शन, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8। अंडर सेक्शन 8 मतलब एनपीओ। एनपीओ जैसी कंपनी को अपने नाम के एंड पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहे तो अपने नाम में इलेक्टोरल ट्रस्ट, फाउंडेशन, फोरम,
एसोसिएशन, फेडरेशन, चैंबर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल एंड लाइक वर्ड यूज कर सकती है। मतलब जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी है, जो कौन है बेटा, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, उन्हें क्या यूज नहीं करना, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जैसे शब्द यूज नहीं करने, पर कुछ वर्ड्स उनको यूज करने अलाउड हैं। और वो वर्ड्स क्या क्या है? हाँ, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कौन है? चलो, कुछ वर्ड्स जो उनको अलाउड हैं, उसमें पहला वर्ड क्या आ गया? फाउंडेशन। फिर बताओ दूसरा क्या लिखे? फोरम। दूसरा क्या लिखें? फोरम। अच्छा, तीसरा क्या लिखेंगे? एसोसिएशन। फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन और चैंबर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, चैंबर, काउंसिल, कॉन्फेडरेशन और इलेक्टोरल ट्रस्ट, ऐसे वाले नेम आपको यूज करना अलाउड है। पर आपको अपने नाम के एंड पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ कंपनीज पढ़ ली हैं जिसके लिए यह बोला गया है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनी है वो हमेशा अपने नाम के एंड पे लिमिटेड ही लगाएगी। जो गवर्नमेंट कंपनी है मस्ट एंड विद द वर्ड्स क्या? लिमिटेड। ठीक है जी, तो अगली कैटेगरी होगी बेटा गवर्नमेंट कंपनी, और उसको अपने नाम के एंड पर लिमिटेड लगाना है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया है। तो आप सब ने कंटेंट ऑफ एमओए में पहला कंटेंट पढ़ लिया, पहला क्लॉज पढ़ लिया जिसका नाम क्या है? नेम क्लॉज। सारे बच्चे बोलेंगे जिसका नेम क्या है, है ना? अच्छा, नेम क्लॉज की कुछ रिक्वायरमेंट है। नेम क्लॉज में पहली बात लिखा क्या होता है? कंपनी का नेम। एक बार जकारा आ जाए, क्या लिखा होता है? और कंपनी का नेम यूज करते वक्त आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई है जो आपको सफिक्स के रूप में यूज करनी है। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको अपने नाम के एंड पर लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट है तो ओपीसी है तो प्राइवेट लिमिटेड बिलो इट्स नेम क्या लिखेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी को अंडर सेक्शन 8 कंपनी, ना लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड, पर आपको कुछ वर्ड्स हैं जैसे क्या क्या? फाउंडेशन। गुस्सा नहीं। पहला फाउंडेशन, दूसरा, तीसरा, अच्छा थर्ड तो तीसरा होगा, फोर्थ मैंने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और लास्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट। इस तरीके के शब्द आप यूज कर सकते हैं अपने नाम पे। ठीक है ना, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? टोटल 6 क्लॉजेस में से बेटा सेकंड क्लॉज की बात करते हैं। सेकंड क्लॉज का नाम बताऊं क्या है? डोमिसाइल क्लॉज। एक बार जगह लगाओ, सेकंड क्लॉज का नाम क्या है? डोमिसाइल क्लॉज, या फिर इसे सिचुएशन क्लॉज भी कहते हैं, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कहते हैं। इस क्लॉज के तीन नाम है, इस क्लॉज के तीन नाम है, क्या क्या? डोमिसाइल क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, है ना? सर इसमें क्या लिखा होता है? बेटा इसमें ना एक ही बात लिखी होती है,
एड्रेस, एड्रेस किसका? कंपनी का। लेकिन वो बात ध्यान से सुनने वाली है, कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा होता इसमें, इस क्लॉज में कंपनी का कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा होता, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, सिर्फ मान यार सिर्फ इसमें सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यानी क्या अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है तो जवाब क्या आएगा? इसमें सिर्फ क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। सिर्फ क्या लिखा होता है बेटा? नेम ऑफ द स्टेट। सारे बच्चे जकार लगा दो, क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द स्टेट। नहीं मजा नहीं आ रहा, नेम ऑफ द स्टेट, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है सिर्फ वही लिखा होता है, कंप्लीट एड्रेस की डिटेल नहीं होती यहां पर। तो दो क्लॉजेस आपको समझ आ चुके हैं। पहले क्लॉज का नाम क्या है? आठ दो, पहले क्लॉज का नाम, इसमें कंपनी का नेम लिखा होता है। दूसरे क्लॉज का नाम क्या है? डोमिसाइल क्लॉज या फिर सिचुएशन क्लॉज या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें कभी भी कंप्लीट एड्रेस, इसमें कभी भी कंप्लीट एड्रेस, इसमें सिर्फ क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द नेम ऑफ द जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है या परपोज टू बी सिचुएटेड है वो लिखा होता है। समझ गए आप? थर्ड क्लॉज का नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज। बेटा थर्ड क्लॉज का नाम क्या है? आवाज में दम नहीं है। थर्ड क्लॉज का नेम क्या है? अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, देखो कोई भी आप काम करते हो तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी आप अगर कोई काम करते हो तो उसके पीछे क्या होता है? कोई ना कोई। तो भाई कंपनी बनाने के पीछे भी तो कोई ना कोई क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा होता है? कंपनी किस लिए बनी है और कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, यानी बेसिकली कौन सी कली, इसमें कंपनी की पावर्स लिखी होती है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर विच, ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं इसमें लिखी होती है पावर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, वो सब इसके अंदर लिखा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा इसमें क्या लिखा होता है बेटा? पावर्स ऑफ द कंपनी। देखो कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज परपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, उसके अंदर वो होता है कौन सा क्लॉज? ऑब्जेक्ट क्लॉज। समझ आ गया आपको? यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। कह रहे इफ एनी कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद द एक्टिविटीज विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द चेंज ऑफ नेम। देखो जनरली हम क्या कहते हैं, जनरली क्या कहा जाता है, कंपनी अपना नाम कैसे रखे जैसे उसके काम है। जैसे आपने अगर सुना हो उजाला, सुना है उजाला आता है, उजाला चार बूंदों वाला, यानी वो सजेस्टिव है, सजेस्टिव है कि अगर आप वाइट कपड़ों में वो उजाला डालोगे तो आपके मतलब वो जो उजाला वाला डालोगे तो आपके वाइट कपड़ों में उजाला आ जाएगा। तो नाम सजेस्टिव लग रहा है ना, जैसा उसका काम है वैसा उसका नाम है। सर आपको बहुत नॉलेज है, अब आप समझ ही सकते हो बेटा शादी हुई हुई है ना, तो शादी के साइड इफेक्ट, गुड। अच्छा जी अब मेरी बात जरा सुनो, यानी हम हमेशा क्या कहते हैं
कि जो आपका नेम है और जो आपके काम है वो आपस में मैची मैची करने चाहिए, है ना। लेकिन अगर वो आपस में मैची मैची नहीं कर रहे तो आप अपना नाम चेंज कर लो, आप अपना नाम क्या कर लो, चेंज कर लो। समझ आ गया आपको? यही वाला पॉइंट यहां पर आ रहा है, यही वाला पॉइंट बेटा यहां पर आ रहा है, आप जरा सुनना बेटा। इफ एनी कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, बेटा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके नेम के अगेंस्ट में है, मतलब जो नाम है और जो काम है वो आपस में मैची मैची नहीं कर रहा, तो इट शेल चेंज इट्स नेम इन लाइन, फिर आपको अपना नाम क्या कर देना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, उसी काम के अकॉर्डिंग अपना नाम क्या लगा लेना चाहिए, वैसे लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। विद इट्स एक्टिविटी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द चेंज ऑफ नेम, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसा नाम वैसा काम। अगर ऐसा ही है नाम इक्वल टू काम तो ओके, लेकिन अगर नाम इक्वल टू काम नहीं है तो फिर उस केस में बताओ बेटा क्या कर लो, चेंज द नेम, चेंज द नेम विद इन कितने महीने। क्या आपको 3 clauses समझ आ गए हैं क्या? तो फिर सुना दो, पहले क्लॉज का नाम, दूसरे का सिचुएशन क्लॉज, सबसे बेटर रहता है वैसे, मैंने तो 2 नाम और भी लिखवा दिया, आप सिचुएशन क्लॉज के नाम से याद करो। पहला हो गया क्या, नेम क्लॉज, दूसरा, थर्ड, मैं नहीं रहा, थर्ड, ठीक है जी। क्लॉज नंबर कौन सा आने जा रहा है बेटा, फोर्थ। फोर्थ क्लॉज का नाम है बेटा लायबिलिटी क्लॉज, फोर्थ क्लॉज का नाम क्या है, ये तो बेटा मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने मेरे साथ ऑलरेडी 4, 15, 19 पढ़ लिया है, पढ़ लिया है क्या 4, 15, 19। कंपनी कितने तरह की होती थी, कौन कौन सी, लिमिटेड और लिमिटेड भी फर्दर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय। अच्छा आपको अगर ये याद हो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है चाहे लिमिटेड बाय गारंटी है, मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द कहां पर लिखी होती थी, कौन से डॉक्यूमेंट में, कौन से में, आ तो गया वो एमओए के कौन से क्लॉज में, लायबिलिटी क्लॉज। याद है जो आपने वहां पर बोला था कि एमओए में लिखी होती है, आपने वहां पर बोला था कि एमओए में जो लायबिलिटी लिखी होती है वो आपको पे करनी होती है, तो यहां पर वही तो आ गया। तो लायबिलिटी क्लॉज की ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, 4, 15, 19, 4, 15, 19, इससे क्लियर है आपको, वो चार्ट पूरा याद ही है, याद है या नहीं है, है ना। तो लिख लो जरा 4, क्या लिख लो ना, लिख लो। तो लायबिलिटी क्लॉज के सामने आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 4, 15 और 19। मैंने आपको क्या है, जो मैं नंबर याद करा रहा हूं बहुत जगह आपके काम आ जाएंगे। फिफ्थ क्लॉज बेटा, फिफ्थ क्लॉज का नाम है बताऊं क्या, कैपिटल क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज का नाम बताऊं क्या है, कैपिटल क्लॉज। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होगा, ऑब्वियसली कैपिटल, लेकिन कौन सी वाली कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, जगह लगो कौन सी वाली कैपिटल, दोबारा कौन सी, और ऑथराइज्ड कैपिटल भी ना 2 तरीके से लिखी होगी। हम ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो अगला क्लॉज है उसका नाम है कैपिटल क्लॉज, एक बार जकार आण दो क्या है। अच्छा कैपिटल क्लॉज में कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी होगी, ऑथराइज कैपिटल होती क्या है कि कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी कंपनी जब तक है जान, जब तक है जान तब तक आप कितना रुपए की कैपिटल इशू कर सकते हो, वो सब आपका एमओए ही बताता है, वो सब आपका एमओए ही बताता है कि कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम मैक्सिमम
कितने की कैपिटल इश्यू कर सकती है। एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यानी कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है बेटा, जो कैपिटल क्लॉज होता है इसमें लिखी होती है बेटा द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, और साथ में एक तो टोटल अमाउंट लिखा होता है और क्या लिखा होता है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर विद द सब्सक्राइबर टू द एमओए हैव एग्रीड टू टेक। क्या क्या लिखा होता है इसके अंदर? कह रहे कैपिटल क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज में सबसे पहले लिखा होता है कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, फिर उनमें से शेयर फिक्स्ड अमाउंट 10 रुपीज वाले 20 रुपीज वाले कितने होंगे और नंबर ऑफ शेयर्स टोटल इतने हैं, तो इतने नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेंगे ना। जैसे आपने बोला हमारी टोटल ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख की और हर शेयर है 10 वाला, तो ऑब्वियसली वो कितना हो गया बता, नंबर ऑफ शेयर्स भी आप बता दो कि कितने हो गए 1 लाख। उसके अलावा कह रहे द नंबर ऑफ शेयर विद द सब्सक्राइबर, बेटा जब मैं सब्सक्राइबर बोलता हूं पता नहीं एक नंबर याद आ जाता है, आठ दो फिर कौन सा है, कौन सा 721 के पास कितने शेयर्स है वो उनके नाम के सामने लिख दिए जाएंगे, समझ आ गया। और हर मेंबर के सामने कम से कम एक शेयर तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर आपको बनना है, अगर आपको एमओए का सब्सक्राइबर बनना है, कंपनी का सब्सक्राइबर बनना है, तो आपके पास कम से कम कंपनी के एक शेयर होने चाहिए। याद है सोलोमन, सारे शेयर उसके पास लेकिन एक एक शेयर उसकी फैमिली मेंबर के पास, समझ आ गया आपको। तो यहां पर यही कह रहे हैं कौन से क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज में, कौन से क्लॉज में बेटा बताओ, कैपिटल क्लॉज में क्या क्या लिखा होता है, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी लिखी होती है प्लस जो सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर है यानी 721 उनके नेम और उस नेम के आगे ऑपोजिट में क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर, और एक कंडीशन है नंबर ऑफ शेयर में एटलीस्ट 1 शेयर होना ही चाहिए सभी के सामने, समझ आ गया आपको। अच्छा जी लास्ट क्लॉज बताऊं कौन सा है बेटा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लास्ट क्लॉज कौन सा है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा लास्ट क्लॉज जो हम बात कर रहे हैं, लास्ट क्लॉज जो हम बात कर रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा आप सब्सक्रिप्शन क्लॉज को ना बेटा सिग्नेटरी क्लॉज भी कह सकते हैं, कौन सा क्लॉज भी कह सकते हैं बेटा, सिग्नेटरी क्लॉज, और हम इसे एसोसिएशन क्लॉज भी कह सकते हैं, हम इसे बेटा एसोसिएशन क्लॉज भी कह सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप, इसमें बताओ आपके हिसाब से क्या लिखा होगा, आप जो कह देंगे वो फाइनल है, इसमें बेसिकली साइन करे गए होंगे किसके द्वारा, किसके द्वारा 721 यानी जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने इसके अंदर साइन करे होंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्लॉज है बेटा एसोसिएशन क्लॉज, और द देखो एवरी सब्सक्राइबर टू द एमओए शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर एंड शैल राइट अगेंस्ट हिज नेम एंड द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम। यानी बेसिकली ये सिग्नेटरी क्लॉज है, इसमें मेंबर साइन करते हैं, जो 721 लोग हैं ना उनके इसमें क्या चलते हैं साइन, वो साइन करते हैं इसमें। पॉइंट समझ आ गया आपको, पक्का वाला? अच्छा जी अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं, एन से तो हो गया बेटा नेम क्लॉज, अच्छा ओ से क्या हो गया, अच्छा सी से क्या हो गया, अच्छा एल से क्या हो गया,
अच्छा ए से, एस से सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा देखो नो क्लास, लेकिन यहां क्लास में बेटा लास्ट वाला एस मिसिंग है, तो लास्ट वाला एस पे क्रॉस कर देंगे, लेकिन आपको इससे याद हो जाएगा नो क्लास से। समझ आ रहा है आपको? एन से बताना कौन सा क्लॉज। अच्छा सिचुएशन, सॉरी यहां सिचुएशन लिख लो ना, सिचुएशन क्लॉज। तो नो क्लास से आपको याद हो जाएगा, नो क्लास से आपको याद हो जाएगा, बस एंड वाला जो एस है उसका मीनिंग नहीं है कोई, तो उस पर क्रॉस कर दिया, बाकी तो याद हो ही है। एन से बताना कौन सा क्लॉज, एन से नहीं दम नहीं है, एन से। अच्छा ओ से, मजा नहीं आ रहा, ओ से दोबारा, एन से, ओ से। अच्छा बेटा क्लास में सी से, फिर एल से, ए से और एस से। देखो ये छह क्लॉजेस तो हर जगह लिखे ही होते हैं, ये जो छह क्लॉजेस होते हैं बेटा ये तो हर जगह लिखे ही होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लॉज बना हुआ है किसके लिए, ओपीसी के लिए। तो बताओ बेटा नेक्स्ट क्लॉज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एमओए का, प्लस वन क्लॉज जो है, जो नेक्स्ट क्लॉज है उसका नाम क्या है बेटा, नॉमिनेशन क्लॉज। ये सेवंथ क्लॉज मेंट ओनली फॉर ओपीसी, ये जो सेवंथ नंबर का क्लॉज है बेटा मेंट ओनली फॉर ओपीसी, तो इस क्लॉज का नाम हो गया बेटा नॉमिनेशन क्लॉज। एक बार जयकारा लगाओ, क्या हो गया बेटा? अच्छा नॉमिनेशन क्लॉज में क्या लिखा होता है? अच्छा 1% कंपनी जो होती है एक ही मेंबर होता है, अगर कल को वो मेंबर निपट गया मतलब उसकी डेथ हो गई या वो इनकैपेबल हो गया तो उसकी जगह कंपनी का सारा दारोमदार संभालेगा कौन, उसका नाम हम कहां लिखते हैं बेटा नॉमिनेशन क्लॉज में, उसका नेम हम कहां लिखते हैं बेटा नॉमिनेशन क्लॉज में। तो नॉमिनेशन क्लॉज की बात कर रहे हैं हम, तो नॉमिनेशन क्लॉज में क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द नॉमिनी हु बिकम्स मेंबर ऑफ द ओपीसी इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर, ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे या नहीं हो रहा? यस और नो? दम नहीं है, यस और नो? तो हमारा एमओए का टॉपिक निपट गया, हमने एमओए निपटा दिया है, बस आपके एक बारी पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं पूरा लर्न करा देता हूं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इजिली मूव कर पाएंगे, ठीक है जी। अब जरा सुनना स्टार्ट करना, आज मैंने आते ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करा, आप सब मेरे साथ डेफिनेशन बोलना, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी? दो इंपॉर्टेंस है, पहले क्या ये कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी के बारे में कितनी बातें, 6 और ओपीसी के केस में 7, 6+1 है ना, लिखी होती है बातें, तो इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कह देते हैं। दूसरा ये क्या है, एज पर सेक्शन नंबर 399, एज पर सेक्शन नंबर एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
यानी जब मैं इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कह देता तो एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन इंस्पेक्टेड वेदर ही इज अ मेंबर और नॉट। तीसरा, कोई भी कंपनी बिना एमओए के बन ही नहीं सकती, रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। तो अगर आपका कंपनी बनाना जी करदा कि करिए एमओए, आंदा नहीं, फिर की करिए? फिर टेबल फॉलो करो। जो टेबल कहां पर गिवन है? शेड्यूल वन। जो टेबल कहां पर गिवन है? शेड्यूल वन में कुछ टेबल गिवन है, टेबल ए बी सी डी ई। टेबल ए के एफ कहां से आ गए भाई? मेरा गुस्सा बहुत खराब है, आरफिन से पूछ ले, है ना? आज नाम सही बोला है? यस। चलो, एक कॉन्सेप्ट और मेरी जिंदगी में याद हो गया मेरे को। कितनी क्लासेस लग गई? सेवंथ क्लास में जाके नाम याद हुआ, इतना टफ नेम रख लिया, कैसे रख लिया पता नहीं। चलो, तो टेबल ए किसके लिए था? एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर टेबल बी, एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी, अनलिमिटेड कंपनी डज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। फिर हमने बात करी एमओए के अंदर कितने क्लॉजेस होते हैं बेटा? कितने? और ओपीसी में 6+1। तो जो 6 क्लॉजेस है उनको जरा याद कर लेते हैं। पहले क्लॉज का नाम क्या है? नो क्लॉज। में बोलूंगा आप मुझे बता देना। एन से क्या हो गया? नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी का name. कंपनी का name. अच्छा बेटा, दूसरा ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्टिव, किस लिए कंपनी बनी है। और जो कंपनी जिस लिए बनी है उसका नाम भी उससे मैची मैची नहीं है तो फिर अपना नाम 6 महीने में क्या कर लेना। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा भाई, नो क्लास सी से क्या आ गया? कौन सा? कैपिटल क्लॉज में कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है और सभी सब्सक्राइबर को जो अपने नाम के सामने शेयर्स लिखे जाते हैं और वो कितने शेयर्स ले रहे हैं वो सब भी लिखा होता है। और सबके पास एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 1। समझ आ गया आपको? फिर एल से क्या आ गया था? लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज आते ही माइंड में आ जाता है 4, 15, 19, है ना? फिर ए से क्या आ गया था बेटा? नहीं, दम नहीं है। ए से एसोसिएशन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज क्या? सिचुएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा, इसमें क्या लिखा होता है? इसमें साइन करे होते हैं किन्होंने? 7-2-1। और लास्ट सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज डोमिसाइल क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यहां पर पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ स्टे। और नॉमिनेशन क्लॉज जो ओपीसी के लिए बना उसमें क्या होता है? किसका नेम? वो पर्सन जो कंपनी को संभालेगा। कब संभालेगा? जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी। चलो जी, अब आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा बेटा इसी पेज पे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, पेज नंबर 187 पर। बस हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। आओ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, डॉक्ट्राइन वर्ड का मीनिंग आप पहले पढ़ चुके, मुझे पता है, सेल ऑफ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्पटर पढ़ चुके हैं आप। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल कह लो, रूल कह लो, इक्को ही गल है। समझ आ गया? तो डॉक्ट्राइन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, सिद्धांत, रूल, गाइडलाइंस,
बेसिकली। तो डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल, समझ आ गया? डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब वो नहीं होता है वाइफ ऑफ डॉक्टर। हाँ अच्छा, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? दो मिनट बाद याद आया आपको। चलो, कहीं आप बंटी तो नहीं है? अच्छा चलो, अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड। चलो, डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल, अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायरस वर्ड का मतलब होता है पावर। तो ये प्रिंसिपल किस लिए बना है? कि कंपनी तुम अपनी पावर से बाहर जाकर काम मत करना, अगर करोगे तो क्या होगा वो सब इसके अंदर लिखा गया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक बार जकार लगाओ, टॉपिक का नाम क्या है? आण दो दोबारा, क्या? डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब प्रिंसिपल, या पल दो पल, नहीं नहीं सिर्फ प्रिंसिपल, ठीक है ना? प्रिंसिपल है। और अल्ट्रा वर्ड का मतलब बियॉन्ड, वायरस वर्ड का मतलब, यानी कंपनी अगर तुम अपनी पावर से बाहर जाकर काम करते हो, अच्छा उसकी पावर लिखी कहां होती है? एमओए के ऑब्जेक्ट लॉस में, है ना? मैं आपके साथ ना बेटा ये टॉपिक एक केस लॉ के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, और वो केस लॉ बेटा आपके मतलब याद करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? आपके मतलब ब्लड में आ जाना चाहिए, इतने ढंग से हमें याद करना है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इस प्रिंसिप इस केस लॉ का नाम बताऊं क्या है? एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। सुन लो, अगर आप सुनोगे तो ये आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, सुन लो जरा, पास्ट अटेम्प्ट्स के बेसिस पर कुछ बात करने जा रहा हूं। आपकी कंपनी सेक्ट में 3 डॉक्ट्राइन है, और उन 3 डॉक्ट्राइन में से 1 डॉक्ट्राइन पर हर बारी क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है अब इस डॉक्ट्राइन पर आ जाए, हो सकता है जो इसके बाद वाली जो 2 डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो आप सबको ये अच्छे ढंग से समझना, और इसके अंदर का केस लॉ भी लर्न करना है। कंपनी एक्ट के सारे केस लॉज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपको लर्न करने हैं। आप कोट कर कर आएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, पर आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये केस लॉ है क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर इसका नेम डिस्कस करेंगे और लर्न भी हो जाएगा। अब हुआ क्या था, रिचे नाम का पर्सन कंपनी के पास आता है, रिचे नाम का पर्सन कंपनी के पास आता है और आकर कहता है कि मुझे लोन चाहिए। आकर क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए बेटा? लोन। जयकार लगाओ, मुझे क्या चाहिए? तो कंपनी ने कहा क्यों चाहिए? कंपनी ने कहा तुम्हें लोन चाहिए क्यों? कह रहे हैं हम ना बेल्जियम में, कहां पर? बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, ट्रैक समझते हैं ना? रेलवे लाइन बिछानी है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल। बेटे ये जो जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सारे फैक्ट ऑफ द केस है, तो आपको ये चीजें सारी याद हो जानी चाहिए। रिचे नाम का पर्सन कंपनी के पास लोन लेने गया, और लोन लेने का पर्पस क्या था? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। क्या बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ उन्हें रेलवे लाइन बिछानी थी बेल्जियम में, इसके लिए पैसा चाहिए था। कंपनी ने कहा पैसा बहुत है, पैसे की कमी ले जाओ, ले जा ले जा। ये तो सोना है, सोनिए का है नहीं, यहां सोलोमन कहां से आ गया? चाइनीज। तो बताओ बेटा, कंपनी ने उसे लोन दे भी दे दिया,
लोन दे दिया, जा बिछा ले लाइन। अब ड्यू डेट पर जब कंपनी रिचे के पास गई, जब कंपनी रिचे के पास गई और कंपनी को जाकर, कंपनी जाकर रिचे को कहती है साडा हक, बताओ रिचे ने हक दिया होगा या नहीं? रिचे ने क्या कहा? चल रही चल, अब साइड में हो जा, हवा आण दे। अच्छा जी, ठीक है जी। मतलब कंपनी ने उस, कंपनी ने उसको लोन दिया और उसने लोन रीपे करने से मना कर दिया। लोन रीपे करने से मना कर दिया, तो बताओ बेटा कंपनी खुश हो रही होगी और शाबाशी देगी? नहीं, कंपनी का पैसा डूबे, कंपनी का पैसा बेटा डूबे, ठीक है ना। तो कंपनी ने बताओ रिचे के खिलाफ केस फाइल करा होगा, कंपनी ने रिचे के खिलाफ क्या फाइल करा होगा? तो बताओ बेटा जो बंदा केस फाइल करता है उसको आजकल प्लेंटिफ कहते हैं, हमारी गली में तो प्लेंटिफ कहते हैं, आपकी गली में? तो प्लेंटिफ का नाम पहले आता है या बाद में? तो बताओ, इसलिए कंपनी ने केस फाइल करा। कंपनी का नाम एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, एक बार मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो, क्या? एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। 4 out of 4 चाहिए, ये नाम याद करना पड़ेगा, क्या है? एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। अच्छा, जिसके खिलाफ केस फाइल करते हैं वो डिफेंडेंट होता है, तो हमारे केस में डिफेंडेंट कौन है? कौन? तो केस लॉ का नाम पूरा बन भी गया। एक बार आप मेरे साथ साथ बोलोगे आपको याद हो जाएगा, एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, एक बार फिर आण दो, क्या? वेरी गुड। अब बताओ, यानी कंपनी ने उसके ऊपर केस फाइल करा, तो केस लॉ का नाम बन गया बेटा वर्सेस रिचे। कंपनी ने कहा, कंपनी ने कोर्ट में जाकर कहा कि रिचे हमारे पैसे नहीं दे रहा, कि रिचे साड़ी केयर नहीं करता, पैसे स्पेयर नहीं करता, नहीं पैसे, टाइम से मैं मतलब नहीं है, पैसे स्पेयर नहीं करता और मैं ही ऐसे पीछे पीछे जॉन दी हां पर ए मेरी केयर नहीं करता। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अपना एमओए लेकर आओ, कंपनी अपना एमओए लेकर आओ, और उसके एमओए में कहीं पर यह लिखा ही नहीं था कि वो लोन दे सकता है, यानी उसने अपनी पावर के अंडर काम करा या बाहर जाकर? तो कोर्ट ने कह दिया 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, लौटाने की जरूरत नहीं है। एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड कहती है जज साहब थोड़ी सी तो मोहलत दो, हम देख लेते हैं, शायद हमारे एमओए में कहीं ना कहीं लिखाओ, क्या लिखाओ, क्या लिखाओ कि हम लोन दे सकते हैं। तो अब इन्होंने अपना एमओए पढ़ना स्टार्ट करा। चलो जज साहब ने कहा कोई नहीं, ले लो 2-4-5 दिन और, अगर आपको लगता है आपने अगर एमओए में लिखा हुआ था तो हम देख लेते हैं। अब हुआ क्या, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स वैसे तो बहुत सारे लिखे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे से थे, कंपनी द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वर टू मेक सेल लैंड ऑन हायर रेलवे कैरिजेस एंड वैगन। रेल के जो डब्बे हैं वो ये बना, कंपनी के पास क्या क्या पावर है, कंपनी जो है बेटा रेल के कैरिजेस और वैगन्स डब्बे वगैरह बना सकती है, बनाकर बेच सकती है और उन्हें किराए पर भी दे सकती है। पहला पॉइंट समझ आ गया? दूसरा भी ये छोड़ के, मतलब हम जो मेरे हिसाब से, दूसरा कंपनी जो है माइंस में, माइन समझते हैं ना आप, उन माइंस को खरीद सकती है, किराए पर ले सकती है, दे सकती है, माइंस को बेच सकती है और उसमें काम कर सकती है, ठीक है जी। और कंपनी खरीद बेच सकती है क्या? कोल टिम्बर मेटल्स, कोल टिम्बर मेटल्स, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, ठीक है जी। और
कंपनी कर सकती है मैकेनिकल इंजीनियर वाले काम एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। वर्ड क्या आया? मजा नहीं आ रहा। वर्ड क्या आया? तो कंपनी कह रही है ये वर्ड हमें मिल गया। कौन सा वर्ड हमें मिल गया? जनरल कॉन्ट्रैक्टर। यानी कंपनी जनरल कॉन्ट्रैक्टर बन सकती है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो लोन देना भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर, लोन देना भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर, लोन देना भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो देयरफॉर इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ठीक है ना, इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट को कहा मुझे वो वर्ड मिल गया जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और लोन देना भी। अब कोर्ट के जज ने क्या कहा? कह रहे हैं ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द है इसके साथ कौन सा वर्ड यूज हुआ हुआ है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कोर्ट के जज ने जो डिसीजन दी वो मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे जनरल कॉन्ट्रैक्टर के साथ वाले वर्ड्स क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या वर्ड्स है? यानी यहां पर आपने अपने एमओए में जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इसलिए यूज करा है कि वो वाले जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो समवेयर रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो वो वाले काम आप कर सकते हैं और लोन देना दूर दूर तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो देयरफॉर उन्होंने क्या कहा, जो टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या दिया? रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। कोर्ट ने क्या कहा, जो इट इज सेड दैट द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट हैड टू बी रीड इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। ठीक है ना? तो बताओ बेटा, इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वॉज नॉट सो इंटरप्रेटेड इट वुड ऑथराइज द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड एंड एवरी डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, फायर इंश्योरेंस। फिर कंपनी कुछ भी कर सकती है। तो कोर्ट ने क्या कहा, जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो शब्द है उसका समवे कनेक्शन होना चाहिए किससे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और लोन देना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं होता। तो फिर बताओ बेटा, कंपनी को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यानी केस किसके फेवर में आया? और इचे को कहा गया नॉट टू रीपे द लोन, नॉट टू रीपे द लोन। डूबे 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 डूबे, बताओ बेटा कंपनी डूब गई ना, पैसे लोन गया। हां जी, समझ आया आपको? यानी कहने का मतलब क्या है, कंपनी तुम अपनी पावर से बाहर जाकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबिनिशियो माना जाएगा। जयकार लगा दो, वो कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहे हैं? यानी वॉइड एग्रीमेंट बना है कंपनी आपके और रिचे के बीच में, जो एग्रीमेंट बना है वो वॉइड एग्रीमेंट बना है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, रेटिफिकेशन, कभी शब्द सुने? व्हाट इज रेटिफिकेशन? खेले? आओ जरा मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड सीखेंगे आज, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। एक बार जयकार लगाओ, रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है, नहीं दम नहीं है, रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड आज सीख लो बेटा, पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है। रेटिफिकेशन, जयकार आण दो, क्या? नहीं मजा नहीं आ रहा, क्या बेटा? आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, क्या? कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, है ना? रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है बेटा सब्सिक्वेंट अप्रूवल। तो कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक बारी वॉइड हो गया ना, आप उसको सब्सिक्वेंट अप्रूवल देकर वैलिड नहीं बना सकते। यानी नो रेटिफिकेशन इज अलाउड।
जो एक बारी वॉइड हो गया ना, तो कंपनी बताओ क्या कह रही है, कोई नहीं जनाब, हम अब एमओए में लिख देते हैं कि हम लोन दे सकते हैं, पहले नहीं था ना हमारे एमओए, अब लिख कर देते, अब हमारे को पैसे दिलवा दो। कोर्ट कह रहे नहीं, अब नहीं कुछ होगा, जो होना सी वो हो गया, हुण की करिए की करिए, ठीक है ना। नो रेटिफिकेशन, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, यानी रेटिफिकेशन से भी कोई काम बनने वाला नहीं है। अब और जरा सुनना, और जरा सुनना, यानी वैसे तो कंपनी अगर अपनी पावर से बाहर जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पहले दिन से ही क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। ऐसा प्रूफ हुआ था एक केस लॉ में, कहां पर, एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, वॉइड एबिनिशियो होने के बाद। और रेटिफिकेशन अलाउड है या नहीं है, अब सुनना और बातें। अगर आपने अपनी पावर से बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीद ली है कंपनी, अगर आपने अपनी पावर से बाहर जाकर क्या खरीद ली है, प्रॉपर्टी, बोलना पड़ेगा, अगर कंपनी ने अपनी पावर से बाहर जाकर क्या खरीद लिया है, पॉइंट समझ रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना अलाउड है। यानी इफ कंपनी परचेज एनी प्रॉपर्टी विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी, कॉमा इन दैट केस कंपनी इज अलाउड टू होल्ड द प्रॉपर्टी, टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी, इवन दो उसने अपनी पावर से बाहर जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो प्रॉपर्टी के केस में आप प्रॉपर्टी को खरीद लिए तो अब उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट इट, आप उसे बचा भी सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? अगर किसी भी बंदे ने अपनी पावर से बाहर जाकर काम कर दिया है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, तो प्रॉपर्टी को आप कंपनी कोई नहीं, आप होल्ड कर लेना और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। अब और आगे सुनना, ये अच्छा पॉइंट आ रहा है। ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये कंपनी का कौन है, डायरेक्टर, ये आज एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, ये कंपनी का डायरेक्टर है और आज ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, और कंपनी के मेंबर ने इससे पूछ लिया, नहीं आज फिर कित्थे चल ली है, है ना, सुनो बताओ बेटा, मेंबर ने, सुन लो ना जरा, मेंबर ने डायरेक्टर से पूछा कि आज फिर, एक बार मेरे साथ गाओ फिर आगे कहानी को जोड़ते हैं, बताओ बेटा, मेंबर ने डायरेक्टर से पूछ लिया कि आज फिर कित्थे चल ली है, डायरेक्टर ने बताओ क्या कहा, डायरेक्टर ने क्या कहा, हम तो जा रहे हैं अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करने, हम तो जा रहे हैं क्या, आपने जब उससे पूछा कि किधर चले तो वो कह रहा मैं अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं, समझ आ गया आपको। तो बताओ बेटा, मेंबर ने उसके आगे जाकर खड़ा हो गया और जाकर कह रहा है जाने नहीं, चलो, डायरेक्टर के आगे जाकर खड़ा हो गया कि जाने नहीं देंगे तुझे, क्यों नहीं, क्योंकि तू अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करेगा, वो होगी वॉइड और कंपनी को हो जाएगा नुकसान और कंपनी के चेहरे से उड़ जाएगी, है ना। तो सुन जरा, सुनो ना, तो डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर ने उस मेंबर को कहा चल हट, और वो आगे
गुड, अच्छा ठीक है, चल हट, मैं तेरे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। डायरेक्टर्स और आगे निकल गया। अब मेंबर्स दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, कौन मेंबर कहां पर? कोर्ट, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, कौन? मेंबर। और कोर्ट पूछता भी है, हेलो कौन? मेंबर क्या कह रहा है? हम बोले। तो कोर्ट कह रहा है फिर आण दो, इसको अंदर आण दो। तो अब मेंबर कह रहा है, मेंबर कोर्ट को कह रहा है, देखो वन ऑफ द डायरेक्टर या वन ऑफ द कंपनी का कोई मेंबर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करने जा रहा है, इससे तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, और बीइंग अ मेंबर मैं उस ट्रांजेक्शन को रोकना चाहता हूं। तो कोर्ट ने उसे एक ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को कहते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन यानी अगर किसी मेंबर को यह पता चल जाए कि कोई डायरेक्टर या मेंबर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करने जा रहा है, तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से क्या पता लगाएगा, कोर्ट से क्या लेकर आएगा? इंजंक्शन। पढ़ा हुआ है आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर कह सकते, जिसे आप आम जिंदगी में स्टे ऑर्डर कहते हैं। तो बताओ बेटा, मेंबर कोर्ट से इंजंक्शन ले आया और अब डायरेक्टर के आगे जाकर खड़ा हो गया और अब क्या कह रहा है? रुक रुक रुक, बस 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 बस। तो डायरेक्टर को कहता है रुक रुक रुक, कह रहा, अरे सुन लो भाई साहब। तो डायरेक्टर कह रहा है अभी तो तेरे को कहा था चल हट, फिर आ गया दोबारा सुनने। बताओ बेटा, मेंबर कह रहे हैं अब तुझे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंबर ने बताओ बेटा कौन सा पर्चा दिखा दिया है? स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर का मतलब रुक जा, समझ आ गया? तो बताओ बेटा, आपने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करने से रोक लिया, आपने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करने से रोक लिया, समझ आ गया? तो यानी हमने अगला पॉइंट ये पढ़ लिया, अगर कोई ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस होने जा रही है तो आप उसको रोक सकते हो बाय ऑब्टेनिंग इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट, समझ गए आप? यानी अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होने जा रही है, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो आप उसको रोक भी सकते हो। कैसे? बाय ऑब्टेनिंग इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट, बाय ऑब्टेनिंग इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट, बाय ऑब्टेनिंग, ठीक है ना? गुड। तो इंजंक्शन की वजह से हमने उसको रोक, रोक मतलब रिस्ट्रेंट कर दिया। अच्छा, एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हो जाती है तो क्या कंपनी को नुकसान हो जाता है या नहीं? नहीं, दब नहीं है, यस और नो? यानी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होने से कंपनी को नुकसान हो जाता है ना? तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, एक बार जयकारा आंट दो, डायरेक्टर्स आर For the fund wasted in ultra-virus transaction oblique contract, हाँ जी, कुछ कुछ समझ समझ आ आ रा रा है अब देखो अल्ट्रा वायरस कहते किसको है? वो काम जो आपने कंपनी की पावर से बाहर जाकर करा है। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर। द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर ऑफ द डूअर, ठीक है ना? It is a fundamental rule.
इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन इट्स एमओए कैन डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट दस फार एंड नो फर्दर. मतलब आप कौन से काम कर सकते हैं जो आपको कंपनी एक्ट ने भी ऑथोराइज कर रखे हैं और आपके एमओए के अंडर ही आते हैं. ठीक है, तो यानी अल्ट्रा वायरस कहा किसे गया है वो भी जरा सुन लो. अल्ट्रा वायरस कहा किसे गया है वो भी जरा सुनो. जो काम आपके एमओए और जो आपको कंपनी एक्ट ने अलाउड करे हुए हैं, अगर आप इसके अंदर के कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, इसके बाहर के जो काम है उन्हीं को कहा गया है क्या? पक्का? अच्छा, जो काम कंपनी के पावर के अंडर होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रा वायरस. जो काम आपके एमओए के अगेंस्ट में है या कंपनी एक्ट के अगेंस्ट में है उन्हें तो हम अल्ट्रा वायरस कह देते हैं, पर जो इनके अंडर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रा वायरस. जयकारे में दम नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नहीं, दम नहीं है, क्या कहते हैं? आन दो एक बारी, क्या कहते हैं जरा सुनना. प्लीज बेटा, प्लीज कॉपरेट करें और पढ़ें. सुनो, लेट सपोज एक कंपनी के पास पावर है कि वो 50 लैक्स तक का बोरोइंग कर सकती है. यानी कंपनी की लिमिट कितनी है बेटा? 50 लैक्स की. कंपनी 50 लैक्स तक की बोरोइंग कर सकती है. और लेट सपोज उस कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है. लेट सपोज उस कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है? 10 डायरेक्टर्स है. और हर डायरेक्टर्स की, एवरी डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो कंपनी के लिए 5 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हैं. 5 लाख की बोरोइंग लिमिट है. कंपनी टोटल लोन कितना ले सकती है? 50 लाख. और हर डायरेक्टर 5 लाख. अब सुन जरा, सुन रहा है ना? ठीक है, चलो जी. अब बताओ बेटा, कंपनी का एक डायरेक्टर कंपनी के लिए 7 लाख रुपीस का लोन ले आता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बताऊं क्या कहेंगे? नहीं, गुस्सा नहीं, सुनो. ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टर की तो पावर के बाहर थी, तो डायरेक्टर के लिए तो अल्ट्रा वायरस होगी, लेकिन कंपनी के पास कितने तक की पावर थी? तो ये कंपनी की पावर के अंडर होगी. तो इस ट्रांजैक्शन को बताऊं क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस था डायरेक्टर, बट इंट्रा वायरस था कंपनी. ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस था डायरेक्टर, बट इंट्रा वायरस था. अल्ट्रा वायरस था और समझ आ रही बात आपको? अच्छा, आप यह भी कह सकते हो वो ट्रांजैक्शन जो अल्ट्रा वायरस था डायरेक्टर और एओए होती है. एओए मतलब यानी वो ट्रांजैक्शन जो कंपनी की पावर के अंडर है पर डायरेक्टर और एओए की पावर के बाहर है, वो ट्रांजैक्शन वॉइड एबिनिशियो नहीं होती. वो ट्रांजैक्शन आड़ दो, वो ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शंस को मेंबर्स रेटिफाइड करके वैलिड बना सकते हैं. उन ट्रांजैक्शंस को मेंबर्स रेटिफाइड करके क्या कर सकते हैं? वैलिड बना सकते हैं. पॉइंट समझ रहे हैं आप? यानी वो ट्रांजैक्शंस जो क्या हैं? अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर ऑब्लिक क्या? एओए, बट इंट्रा वायरस द कंपनी. समझ आ रहा है? तो उस केस में बताओ कौन सा रूल लगेगा? आप बता दो, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रांजैक्शन वॉइड एबिनिशियो होगी? हम ये कहेंगे
such transactions are not void altogether. Members can ratify it. समझ आ रहा है? Member can, यानी इस ट्रांजेक्शन के लिए मैं क्या लिखना चाहूंगा, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट void altogether. पूरी तरीके से इसको void नहीं कह सकते. Member can ratified it and make such contract valid. Member चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हैं. समझ आ गया? यानी सीधी सी बात, नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है. क्या क्लियर है आपको? कि वो ट्रांजैक्शंस जो एमओए के बाहर है वो तो वॉइड होती ही होती है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो एओए के बाहर है या डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है, उन ट्रांजैक्शंस को हम ऑल टुगेदर वॉइड नहीं मान सकते. हम उन ट्रांजेक्शन को ऑल टुगेदर वॉइड नहीं मान सकते, उन्हें वैलिड बनाया जा सकता है. और ये पावर किसके पास है? और बताओ बेटा, पहले तो ये वॉइड हो गया, लेकिन सब्सिक्वेंट अप्रूवल देकर, जयकार लगाना बेटा, क्या नहीं, दोबारा आन दो, क्या सब्सिक्वेंट अप्रूवल देकर आप इसे वैलिड बना सकते हैं. आ रहा है समझ? बोल दो ना, आ रहा है समझ? ठीक है जी. हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस निपटा दिया. आज हमने दो टॉपिक कर चुके हैं, पहला एमओए और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. चलो देखते हैं अभी तक आपको कितना याद हुआ. सबसे पहले जब मैं आया, मैंने सबसे पहले एक टॉपिक स्टार्ट कराया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जयकार लगाओ, क्या? तो मेमोरेंडम मीन्स क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट. समझ आया पहला पॉइंट? मेमोरेंडम की फिर हमने पढ़ी क्या इंपॉर्टेंस. क्या एमओए इंपॉर्टेंट है क्या? वाई दिस कोलैबोरेटिव? बिकॉज इट इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. इट इज अ मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है. एज इट कंटेन्स क्या? फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? चार्टर ऑफ द कंपनी. और साथ में ये एज पर सेक्शन नंबर कौन सा? एमओए क्या भी है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट. यानी एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक, एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन इंस्पेक्ट इट वेदर ही इज अ मेंबर और नॉट. और नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड विदाउट एमओए. या मैं ऐसा भी, कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विद एमओए, है ना? तो अगर एमओए आपको नहीं है, आप वैसे तो आपका एमओए अपना खुद का होना चाहिए. नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हमारे यहां पर शेड्यूल नंबर वन में कुछ टेबल दे रखे, टेबल ए बी सी डी ई. पहला टेबल ए किसके लिए है? एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय दूसरा एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैविंग. अच्छा फिर अगला, कंपनी लिमिटेड बाय एंड हैविंग टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी डज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. और टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी. और फिर एमओए में कितने क्लॉजेस होते हैं? छह क्लॉजेस को याद करने का आपका तो फेवरेट वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना? नो क्लास, एन से ओ से, दोबारा एन से ओ से, सी से एल से, ए से एस से. समझ आ गया आपको? सिचुएशन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज डोमिसाइल क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. याद आ गया आपको?
एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है, पता नहीं कौन सी कंपनी के लिए, 1% कंपनी के लिए, वेरी गुड। उस नॉमिनेशन क्लॉज में लिखा क्या होता है, नेम ऑफ द, वो पर्सन का नाम जो बाद में कंपनी संभालेगा जब ओरिजिनल मेंबर की या तो क्या हो जाए, या फिर वो इनकैपेबल हो जाए, इनकैपेबल हो जाए काम करने के लिए। समझ आ गया आपको? तो एमओए के बाद हमने स्टार्ट करा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जयकारा आ जाए बेटा, क्या व्हाट इज डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल, रूल, गाइडलाइंस, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा, अल्ट्रा मींस वायरस मींस, समझ आ गया? अच्छा, कौन सी चीज को हम मानेंगे कि आपने अल्ट्रा वायरस कर दिया, जो चीज आपके एमओए की पावर्स के या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में, समझ आ रहा है आपको? तो इसके अंदर हमने केस लॉ करा था, देखते हैं किस बच्चे को याद है। एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, बताओ बेटा रिचे कहां पर गया था, कंपनी के पास, रिचे कहां पर गया था, क्या कह रहे हैं, सानू लोन चाहिए था, तो कंपनी ने कहा ले जो ले जो ले जो लोन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब रिचे लोन लेकर तो चला गया, रिचे लोन लेकर तो चला गया, पर जब रीपेमेंट की बारी आई और कंपनी उसके पास गई तो उसने लोन रीपे करने से मना कर दिया, पर यह जरूर कह दिया है, आए हो तो खा न खा के जाना है। कंपनी को यह बोल दिया लेकिन पैसे नहीं दिए, कंपनी कह रही है ऐसा खाना क्या करेंगे, इतने पैसे तुम्हें लोन के रूप में दिए हुए हैं, अभी तो इतना ज्यादा दिल में मेरे है, है ना, तो हम कहां से ले जाए खाना खाने बैठ जाए। बताओ कंपनी ने कोर्ट में केस फाइल करा और कोर्ट ने क्या कहा कि रिचे बिल्कुल मत लौटाना पैसे, रिचे बिल्कुल मत लौटाना पैसे, क्यों ना लौटाना, क्योंकि ये बात तो कंपनी के एमओए में लिखी नहीं हुई कि ये लोन दे सकती है, तो ये ट्रांजैक्शन पहले दिन से ही वॉइड एब इनिशियो है। क्या जनरल कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड लोन देने से रिलेटेड है या समवे रिलेटेड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये लाइन आप लिख के दोगे, कोर्ट ने क्या कहा, जनरल कंट्रोल, जनरल कॉन्ट्रैक्टर को रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग दिया, उसने कहा जनरल कॉन्ट्रैक्टर में वो कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड होंगे विच आर समवे रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और बताओ लोन देना दूर दूर तक, कितनी दूर तक, बहुत दूर तक, क्या नहीं है, मतलब लोन देना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी, बात मान ली आपकी। अब और जरा मेरी बात सुनो, सुनो ना सुनो ना, तो फिर सुनो, जो ट्रांजैक्शंस वॉइड हो गई क्या उसे रेटिफाइड या स्टॉपर लगाकर वैलिड बनाया जा सकता है या नहीं, पक्का? लेकिन अगर जो ट्रांजैक्शन होने जा रही है आप उसको रुकवा सकते हो। याद आया आपको एग्जांपल, मेंबर ने डायरेक्टर से पूछा भी था कि आज फिर कित थे, वो कह रहे आई एम नॉट मॉर्निंग आई एम अ मोर। चलो जी कोई नहीं कोई नहीं, सब ठीक होगा, गुस्सा नहीं करते, इधर आओ। तो वो कह रहे मैं अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करने चलनी, हाँ ठीक है ना, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करने जा रही हूं, तो बताओ बेटा मेंबर उसे रोकने की कोशिश करेगा या नहीं, मेंबर ने उसको कहा भी रुक रुक रुक, पर उसने नहीं, नहीं नहीं सब ठीक होगा, पर उसने बताओ बेटा डायरेक्टर ने तो आगे से यह कह दिया चल, और फिर आगे चलने लगा, आप फटाफट से कोर्ट का दरवाजा कर आया, कोर्ट से एक फटाफट से पर्ची पे लिखवा कर आया, एक सर्टिफिकेट बनवा कर आया, एक क्या इंजंक्शन लेकर आया और वो दिखाया, अब वो जाकर रुका, ठीक है ना, अब वो जाकर रुका, इतनी मेहनत के बाद गला सबका सूखता है प्यास, ठीक है बेटा फिर मैं पी लेता हूं पानी, फिर मैं पी लेता हूं ना। तो हमने उसको रोक लिया, हमने उसको ट्रांजैक्शन करने से रोक लिया इंजंक्शन से, फिर आगे की बात करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, जो भी पैसा वेस्ट हुआ उसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, जो भी पैसा वेस्ट हुआ उसके लिए डायरेक्टर्स। लेकिन अगर आपने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉपर्टी खरीद ले तो वो प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं और उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं,
अच्छा रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता था? आण दो क्या? एक बार फिर आण दो क्या? यानी जो चीज पहले अप्रूव नहीं थी बाद में अप्रूव कर दी, यानी वो ट्रांजैक्शन जो अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर या एओए है बट इंट्रा वायरस द कंपनी है, वो ट्रांजैक्शन जो अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है या एओए है बट इंट्रा वायरस द, तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ट्रांजैक्शन ऑल टुगेदर वॉइड नहीं होती, उसे मेंबर्स रेटिफाइड करके क्या बना सकते हैं? वैलिड। मेरे ख्याल से आपको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस बिल्कुल क्लियर हो गया। स्प्राइट है ना ये टॉपिक? गुड, क्योंकि स्प्राइट क्या है? चलो जी चलो, कंपनी का एक अलग डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट एओआ बोले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जयकार लगाओ, एओआ बोले तो सर आपकी आवाज तो तुषार कपूर से मिलने लग गई थी, है ना? सुन लो जरा प्लीज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, कंपनी के एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ही आसान, कभी आपने ये सुना है साढ़े अपने रूल और साढ़े अपने असूल? ये सुना नहीं आपने? असि जिथे जावांगे, चलो ठीक है, कोई नहीं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जिस डॉक्यूमेंट पे लिखे जाते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एओए। एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आण दो दोबारा, एओए मतलब यानी इट कंटेन्स, एओए कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को कैसे चलाया जाएगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पर लिखे होते हैं? एओए में। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द रूल्स एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। लेकिन अगर मैं आपके साथ एओए की डेफिनेशन बोलू ना, अगर मैं आपके साथ एओए की डेफिनेशन को बोलू तो आप कहोगे यार ये तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं सुनी हुई है। मैं बोलता हूं आप दो मिनट जरा सुन लो, ठीक है? कह रहे हैं पूरे लॉ में, पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां भी आर्टिकल वर्ड आ जाए तो उसका मतलब बताऊं क्या मानना? मेरे को बोलने दो, मैंने बोला एक बार सुन लो, आपको फील होगा कि हमने कहीं ना कहीं सुनी सुनी सी है ये। मैं आर्टिकल की ओरिजिनल डेफिनेशन जो लॉ में दे रखे है वो बोलने जा रहा हूं और वो बताऊं क्या है। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। चौंक गए क्या? Yes, sir. अच्छा अब मैं आराम से बोलता हूं। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। कहीं पर ऐसे सुना सुना सा लग रहा है? Yes, sir. कहां पर? बस एमओए में मेमोरेंडम की जगह क्या वर्ड आ गया? बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है ये। हाँ, आर्टिकल मीन्स
देखो आपने एक बात नोट करी, कंपनी सेक्ट की डेफिनेशन की बातें करें तो यार मजा आ जाता है। कंपनी मींस कंपनी, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल मींस, ये डेफिनेशन देखकर तो वो वाली बात आ जाती है, हे मां है ना। आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो आपको एओए के बारे में दो बातें समझ आ चुकी हैं, आपको एओए के बारे में बेटा दो बातें समझ आ चुकी हैं। पहली बात क्या थी बेटा, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, इसकी डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दे रखी है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दे रखी है, जो सेक्शन 2 क्लॉज, और क्या है आर्टिकल मींस, मेरे साथ एक बार रिपीट करो ताकि कहानी को मैं आगे बढ़ा पाऊं। आर्टिकल मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ऑल्टर टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ कौन सा एक्ट, दिस एक्ट मींस कंपनी एक्ट 2013। अब जरा सुनना, एओएबी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन 399। एओएबी क्या है, एक एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, तो लिख लो ना। अच्छा आपको पता ना आपका एओए का टॉपिक कहां चल रहा है, गली नंबर 189 पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा था, वो कौन, हाँ प्लीज बेटा अगर आप सुनेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एज पर सेक्शन 399 एओए इज अ पब्लिक पब्लिक डॉक्यूमेंट, एओए भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। बेटा आप तो आपको ना पब्लिक डॉक्यूमेंट कहीं बॉस आप पढ़ेंगे बेटा ओवर द कोर्स सीए इंटर में फाइनल में बहुत जगह आपको दिखेगा पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बातें, तो आपको अब एक बार ही ऐसा याद हो गया कि अब आपको लाइफ टाइम रहेगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब यार वो डॉक्यूमेंट जिसको पब्लिक में से कोई भी आकर इंस्पेक्ट कर सकता है, समझ आ गया। सुनो जरा अगले पॉइंट, आपको एओए बनाना नहीं आता, आपको अगर एओए बनाना नहीं आता तो कंपनी लॉ आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, आपको क्या लगता है उसकी हेल्प कहां करेगी, शेड्यूल नंबर 1, वेरी गुड, शेड्यूल नंबर एमओए के लिए टेबल एबीसीडी ई हो गया था ना, एबीसीडी ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ जी एच आई जे, तुम बेटा सारे बच्चे LIC करवा लो क्योंकि तुम सबकी छोटी छोटी खुशियां हैं। चलो जी गुड। अच्छा फॉर्म्स ऑफ, देखो मैं आपको ना ये फॉर्म्स ऑफ AOA याद करा दूंगा, बस आपको 2 मिनट सुनना पड़ेगा मेरे साथ तो आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि आपको MOA के टेबल्स याद हैं तो इसके टेबल याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक ही चेंज है वो मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ एओए कहां गिवन है बेटा, शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
और टेबल ई तक हम मां पढ़ चुके हैं, तो यहां स्टार्ट होगा टेबल नंबर एफ, टेबल नंबर ये तो वही है एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एफ के बाद आजकल क्या आता है तुम्हारी गली में भी? गुड, ठीक है मैम, जैसे आप कह दो। ये देखो टेबल जी बताऊं क्या है, एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा वहां पर पहले चलते थे नॉट हैविंग वाले, एओए में चलेंगे पहले हैविंग वाले। तो बताओ आप क्या होना चाहिए, जब आप एमओए की लिस्ट याद कर रहे थे बेटा तो आप पहले क्या आता था उसमें, हैविंग या नॉट हैविंग? इसमें पहले हैविंग आता है, बस बाकी तो सब कुछ याद ही हो गया। आपको पांचों टेबल मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बस आप मेरे को बता दो टेबल जी में क्या है, एओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग। चलो देखते हैं अगला टेबल, आप मेरे को बता दो टेबल एफ जी फिर क्या आएगा, पक्का तुम्हारी गली में भी? टेबल एच क्या है, एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैविंग। उधर नॉट हैविंग वाले पहले चलते थे, इसमें हैविंग वाले। समझ आ रहा बेटा आपको? तो बताओ एफ जी एच आई हूं तो सीधे दसो आई केड़ा होएगा, एओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी पहले कौन सा यहां पर चलेगा, हैविंग या नॉट हैविंग? हैविंग शेयर कैपिटल, और आई के बाद जे बात, जे वाली बात कर रहे हैं। बताओ क्या होगा, एओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी डज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सारे टेबल्स याद हो गए आपको? हाँ जी, अब मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करने जा रहा हूं, एक वर्ड जरा सीखना बेटा। हाँ जी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, एओए के अंदर एक और पॉइंट कर रहे हैं बेटा एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। एक बार बोलना बेटा कौन सा वर्ड कर रहे हैं हम? देखो कुछ रूल्स, देखो एओए में ये तो पता है कि क्या लिखे होते हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन। एओए में हमें ये तो पता है क्या लिखे होते हैं बेटा, रूल्स एंड, मजा नहीं आ रहा। एओए में हमें ये तो पता है क्या लिखे होते हैं, उनमें से कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हम ये चाहते हैं कि उसे कोई आसानी से चेंज ना कर पाए, मतलब उसे हम आसानी से चेंज होने नहीं देना चाहते, वो रूल कहते हैं वो कंपनी के लिए बना ही रहे। तो एओए में जो ये वाली बातें होती है ना, जिन जिन रूल्स को चेंज करना ए दिल है मुश्किल, उन्हें के लिए कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जयकार लगाओ, क्या कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि जिसे चेंज कर ही नहीं सकते, पर जिसे चेंज करने के लिए क्या फीलिंग आएगी, ए दिल है मुश्किल। समझ आ रहा है आपको? गुड। तो एओए में कंटेन एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, एओए में कंटेन्स क्या, एंट्रेंचमेंट
हम ये नहीं कह रहे कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को चेंज करना मुश्किल ही नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुश्किल है पर चेंज तो वो हो सकता है, ठीक है जी। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जब भी आपके एओए में होंगे, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जब भी आपके एओए में होंगे, एक बार चकार लगाओ, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, दोबारा ये लाइन बोलनी पड़ेगी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, दोबारा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, तो तुझे बताना ही होगा किसको, आरओसी को। आरओसी बोले तो, आरओसी बोले तो, दोबारा आरओसी बोले तो बताना ही होगा। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के लिए नोटिस टू आरओसी, देना होता है, नोटिस टू आरओसी देना होता है जब भी आपके एओए में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस हैं, 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 हाँ। चलो नरायको इधर आओ, बात सुनो, आगे पूरी एक्टिंग करवा लो मेरी, आगे बात करते हैं। सर ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हम कब कब इंक्लूड कर सकते हैं? बेटा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप कंपनी बनाते वक्त भी इंक्लूड कर सकते हैं और कंपनी बन जाने के बाद भी, कंपनी बन जाने के, समझ रहे आप? तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हम कब कब इंक्लूड कर सकते हैं? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस कैन बी इंक्लूडेड इन एओए, पहला केस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाते वक्त, और सेकंड बाय ऑल्ट्रेशन इन एमओए, एमओए में चेंज करके, एमओए में, मजा नहीं आ रहा, एमओए में बाय ऑल्ट्रेशन इन एमओए, पॉइंट समझ आ गया आपको? मतलब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आप एओए में इंक्लूड कर सकते हैं कंपनी बनाते वक्त भी और कंपनी बनाने के बाद में भी, समझ आ गया आपको? क्या आपको एओए के बारे में पूरा पूरा ज्ञान हो गया? हाँ, ऑल्ट्रेशन इन एओए, अब मैं आपके साथ बेटा एक डिफरेंस करवाने जा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन, तुसी दस सकते हो केड़ा केड़ा है? डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, खेल रहे हो मेरे साथ? पक्का वाला? ठीक है जी। तीन कॉलम बनाते हैं बेसिस, तीन कॉलम बनाते हैं बेटा, पहला कॉलम क्या हो गया? बेसिस। अच्छा, दूसरा कॉलम आपका कौन सा हो गया बेटा? एमओए। और तीसरा कॉलम कौन सा हो गया? पहला पॉइंट, अगर आप सुनेंगे तो दो मिनट में खत्म हो जाएगा, डिफरेंस बहुत ही आसान है। आप सब रेडी है? ठीक है जी। एमओए बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें पता चल पाए कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, और क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट। यानी एमओए हमें बताता है व्हाट के बारे में,
समझ आ गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और जो काम आप कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो वो आपको AOA बताता है। तो AOA बताता है आपको हाउ, वो बताता है व्हाट और ये बताता है हाउ। वाओ नहीं, हाउ। ये व्हाट में डील करता है और ये हाउ में। हुन जरा सुनना, सेकंड पॉइंट है बेटा रिलेशनशिप। एमओए से किस किस का रिलेशन बन जाता है कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ। देखो बेटा सॉरी, एमओए का बन जाता है, एमओए डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कंपनी का आउटसाइडर के साथ कैसे रिश्ता होगा ये किसके बेसिस पे डिसाइड होता है। आउटसाइडर मतलब थर्ड पार्टी। सर थर्ड पार्टी कौन सी होती है? आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है आउटसाइडर। यानी एमओए से रिश्ता बनता है कंपनी का किसके साथ? आउटसाइडर के साथ। जबकि एओए से बनता है कंपनी का रिश्ता अपने ही मेंबर्स के साथ, कंपनी और मेंबर्स। समझ आ गया? पहला डिफरेंस, एमओए हमें बताता है कि आप क्या कर सकते हो और एओए बताता है कैसे कर सकते हो। एमओए से कंपनी का रिश्ता आउटसाइडर के साथ कैसे बनेगा वो डिसाइड होता है, और एओए से कंपनी और उसके मेंबर्स का रिश्ता आपस में क्या रहेगा वो डिसाइड होता है। थर्ड, ऑल्ट्रेशन वर्ड का मतलब चेंजेस। देखो जी, अगर आपको एमओए में चेंजेस करने हैं तो अभी आप मानकर चलो आपको रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। आपको किसकी परमिशन चाहिए होगी बताओ? यानी परमिशन चाहिए होगी रीजनल डायरेक्टर और कुछ केसेस में किसकी? ट्रिब्यू। अच्छा, ट्रिब्यूनल के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। ट्रिब्यूनल का मतलब एनसीएलटी, एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जयकारा आण दो क्या? एक बार फिर आण दो क्या? है ना? तो कह रहे हैं एमओए में चेंजेस करने हैं तो आपको रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए होती है, और यहां पर चाहिए होता है एसआर। यहां पर क्या चाहिए होता है? एसआर। एसआर जानते हो क्या? क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। फोर्थ पॉइंट, अल्ट्रा वायरस। बताओ बेटा अल्ट्रा वायरस, बताओ बेटा अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मींस, अल्ट्रा मतलब, वायरस मींस। हुण तुसी दसो, ये पॉइंट तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या एमओए से अगर आपने बाहर जाकर काम करा तो वो ट्रांजैक्शन पहले दिन से ही क्या है, और क्या इसको रेटिफाइड करा जा सकता है? मतलब ये रेटिफाइड, पर आपने एक बात ये भी पढ़ी थी, ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस था एओए बट इंट्रा वायरस था, वो क्या हो सकती है बताओ? रेटिफाइड होकर उसे आप वैलिड बना सकते हो। व्हाट इज रेटिफाइड? व्हाट इज रेटिफाइड? यानी इसे रेटिफाइड किया और करके वैलिड। ओके, बना देंगे, बनाए जा सकते हैं। मैं कहा ठीक है बना देंगे। हाँ जी, क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया रे।
बेटा मैंने आपको ये बताया था कि हम सब तीन डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें से एक डॉक्ट्राइन आप पढ़ भी चुके हो, सेकंड डॉक्ट्राइन बहुत ही छोटी और उससे भी छोटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कौन सी सर? ये हमें कहां मिलेगा? गली नंबर 1 सेंटेंस सुनेंगे ना, खत्म हो जाएगा। अगर बस सुनना आपको जरूरी है, एक स्टार्ट कर रहे डॉक्ट्राइन, सेकंड डॉक्ट्राइन जिसका नाम है बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जयकारा आंट दो बेटा, क्या है? नहीं दम नहीं है, क्या है बेटा? इसमें एक वर्ड है कंस्ट्रक्टिव, इसमें एक वर्ड है, बताओ क्या? कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है डीम्ड। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? और डीम्ड वर्ड का मतलब बताऊं क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। मेरी लैंग्वेज में याद करो, डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। दोबारा क्या बेटा? आपको आपके एग्जाम के कंपलसरी क्वेश्चन की कसम, क्या बेटा? बेटा बिल्कुल भी कभी भी प्रेशराइज नहीं होना, दिल से बोलना है, जैसे आपने अभी बिल्कुल दिल से बोला बिना किसी प्रेशर के, ये मजा आता है ना, ये ठीक लगता है। तो डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। तो आप अपनी बुक के पहले पेज पे ये शब्द लिख लो ना, बुक के पहले पेज पे, क्योंकि जब ये वर्ड ऐसे है जो कॉमन है, जैसे रेटिफाइड वर्ड कॉमन है, हर जगह आ जाएगा, वैसे ही डीम्ड वर्ड भी बहुत जगह दिखेगा आपको। तो जहां आप पढ़ते हैं ना बेटा, जो भी बुक से, बुक के पहले पेज पर आप ये चीज लिख लिया करो, रेटिफाइड का मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल, डीम्ड वर्ड का मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। ये बातें बेटा आपको आगे भी काम आएंगी। अच्छा डॉक्ट्राइन तो अब आपको पता ही है, किसको कहते हैं? प्रिंसिपल दो पल। सर फिर नोटिस वर्ड का मतलब होता है नॉलेज, यानी प्रिंसिपल ऑफ डीम्ड नॉलेज। हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक बार ये आड़ दो बेटा, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेटा आपकी आवाज पे डिपेंड करेगा कि ये टॉपिक के बाद भी कुछ होगा क्या, ठीक है? एक मिनट और बताओ बेटा, डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव। डीम्ड वर्ड का मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। और नोटिस वर्ड का मतलब? मैंने देखा हमारे बच्चे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होते, दिल से बोलते हैं, दिल से प्यार करते हैं, है ना? गुड। अच्छा अब मैं आपके साथ 2 से 3 मिनट में एक बात बोलूंगा और ये हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला कॉन्सेप्ट कवर्ड हो जाएगा, ठीक है? अब बस, क्योंकि MOA, अब सुनना बेटा, 5 मिनट तक आप मत बोलना जब तक मैं ना बोलूं आपको बोलने के लिए, और आप सुनेंगे ना ये टॉपिक कवर्ड हो जाएगा। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। क्योंकि MOA और AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं एज पर सेक्शन 399, तो कोई भी बंदा फ्रॉम द पब्लिक उन्हें देख सकता है। तो अब हम मानकर चलते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डीलिंग करने आ रहा है तो वो कंपनी के MOA और AOA को पढ़कर आ रहा है, वो कंपनी के MOA और AOA को पढ़कर आ रहा है, और उसकी उसे नॉलेज भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है।
बाद में अगर वो कहता है कि मुझे एमओए और एओए की नॉलेज नहीं थी और वो कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये डॉक्ट्राइन कहती है हम आउटसाइडर तेरा साथ नहीं देंगे, हम कंपनी का साथ देंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, जरा सुन लो। हम पहली बात माइंड से ये निकाल दो कि हमारी क्लास ओवर होने वाली है। बताओ इसमें क्या होता है, आपका ध्यान सारा ना नीचे जाकर क्या करेंगे उस पर चले जाते हैं कि हमने यहां से निकलेंगे। माइंड अभी दो मिनट क्लास में लगा दो, ये डॉक्ट्राइन खत्म हो जाएगी। क्योंकि एमओए और एओए, क्योंकि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन इंस्पेक्ट इट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जाकर आप ये सब देख सकते हो, किसी भी कंपनी का एमओए और एओए। तो लॉ क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी से डील करने आ रहा है, कोई भी पर्सन अगर कंपनी से डील करने आ रहा है, तो वो कंपनी के एमओए और एओए को पढ़कर आ रहा है, ठीक है ना। और अगर वो एमओए और एओए को पढ़कर नहीं आता तो थर्ड पार्टी इसमें तेरा घाटा, फिर ज्यादा नुकसान हो जाता और तू बाकी देख ले, तेरी मर्जी है। यानी एमओए और एओए पढ़कर आना है, अगर आप नहीं पढ़कर आएंगे तो ये डॉक्ट्राइन आपका साथ नहीं देगी। ये डॉक्ट्राइन किसका साथ देगी, कंपनी का। 90% ऑफ द टॉपिक हो गया, पहले लिखवा देता हूं आपको। हम ये मानकर इसको बेटा इंग्लिश में ही लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी, हु इज थर्ड पार्टी, आउटसाइडर, हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है तो वो कंपनी के एमओए एंड एओए दोनों को, दोनों की नॉलेज लेकर आई है। समझ आ रहा है आपको, कोई भी पर्सन, कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील करने आ रहा है तो आण दो, मना मत करो, लेकिन क्या प्रिजम्पशन चलती है कि वो पर्सन जो कंपनी से डील करने आ रहा है, वो पर्सन जो कंपनी में डील करने आ रहा है, वो कंपनी के एमओए और एओए को पढ़कर आ रहा है, समझकर आ रहा है। समझ आ रहा है आपको, तो देयरफॉर अगर वो बंदा पढ़कर नहीं आएगा तो लॉ कह रहा है किसका साथ देना। तो यानी ये डॉक्ट्राइन ऑपरेट होती है इन फेवर ऑफ कंपनी, इन फेवर ऑफ कंपनी बोलना पड़ेगा, इन फेवर ऑफ और इन अगेंस्ट ऑफ आउटसाइडर। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? अच्छा चलो, एक केस लॉ करेंगे बेटा, ठीक है ना, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का केस लॉ का नाम है बेटा कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस सी रामा मूर्ति, यानी चाइना रामा मूर्ति। तो अगर आप सी रामा मूर्ति भी लिख देंगे तो चल जाएगा, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस सी रामा मूर्ति। एक बार जयकार लगाओ, क्या? कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस सी रामा मूर्ति। एक बार फिर, अगर आपको, बेटा देखो मैं आपको बताता हूं,
अगर आप केस लॉ कोर्ट करके आएंगे तो आपके बेटा मार्क्स बढ़ेंगे। आप बताओ, आप एग्जामिनर हो, मैं आपको बना रहा हूं एग्जामिनर। एक बच्चे ने बेटा सीधा सीधा बस लिखा है और एक बच्चे ने विद केस लॉ का नेम लिखा है, आप किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? ये बात आपको खुद ही जानते हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको याद करा रहा हूं तो आपको याद हो ही रहे। एक बार मेरे साथ बोल दो, क्या? कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति। एक बार फिर आ दो, क्या? अच्छा, इस केस लॉ में क्या हुआ था, कंपनी के एमओए और एओए में यह लिखा हुआ है बेसिकली कि कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी अगर कोई भी क्या करेगी contract. तो उस कॉन्ट्रैक्ट, कोई डीड, कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाएगी तो उस पर कुछ पर्संस के साइन होने चाहिए। यह लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं? इन दिस एओए ऑफ द कंपनी मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द डीड्स टू बी साइंड बाय एमडी या एमडीएच, ठीक है ना? कह रहे एओए ऑफ द कंपनी में लिखा हुआ है, कंपनी कोई भी डीड्स वगैरह अगर बनाएगी तो उसमें एमडी के साइन होने चाहिए, सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए और वर्किंग डायरेक्टर के, यानी कितने लोगों के साइन होने चाहिए? तीन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के, ठीक है जी। अब हुआ क्या, कंपनी ने एक मोर्टगेज डीड बनाई, मोर्टगेज डीड समझ रहे हो, है ना? मतलब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लिया है, मोर्टगेज डीड समझते हो किस लिए होती है? डीड मतलब एग्रीमेंट, मोर्टगेज मतलब गिरवी रखना, और आपने गिरवी क्या रखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप यह कहते हैं ऊंची है बिल्डिंग। अब आ जा तो पा नहीं रहते, कैसे मैं आऊं, है ना? तो वो आ जा तो पा नहीं रहते, हमने कहा इस बिल्डिंग को गिरवी रख देते हैं किसी के पास, ठीक है ना? तो हमने मोर्टगेज डीड बनवाई, एग्रीमेंट बनवाया लोन लेने के लिए, और उस पर बताओ बेटा सेक्रेटरी के तो साइन थे, वर्किंग डायरेक्टर के तो साइन थे, ठीक है ना? लेकिन किसके साइन नहीं थे? उसके साइन मिसिंग थे। तो बताओ बेटा, जब कंपनी वाइंडिंग अप होने लगा, कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, तो कंपनी की मोट बेटा प्रॉपर्टीज बिकेंगी, तो लिक्विडेटर ने क्या भी बेच दी? मोर्टगेज प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ कह रहा है इसका पैसा तो मुझको ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं हूं सिक्योर्ड। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो पहला पैसा मुझे मिलना चाहिए प्रॉपर्टी जो बिक रही है। कोर्ट ने क्या कहा? मोर्टगेज डीड ही पगले इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उसमें सिग्नेचर मिसिंग है किसके? और तुम्हें तो एओए की नॉलेज होनी चाहिए ना, तुम्हें तो एओए की नॉलेज, और एओए में साफ साफ लिखा हुआ है कि तीन लोगों के साइन होने चाहिए, और तुमने दो लोगों के साइन के बेसिस पे लोन कैसे दे दिया? द कोर्ट इन इट्स डिसीजन अपहेल्ड द सेल ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी। द रीजन गिवन बाय द कोर्ट दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकली आस्क फॉर द सिग्नेचर ऑफ फोर ऑफिसर कंपनी एंड दिस वॉज पब्लिक नॉलेज, बट सिंस प्लेंटिव डिड नॉट एक्ट प्रूडेंटली एंड डॉज इट ड्यूटी टू रीड द डॉक्यूमेंट, द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई एंड द मोर्टगेज डीड विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, यानी इनवैलिड डॉक्यूमेंट। पैसे तो मिलेंगे, अब आपको सिक्योर्ड के रूप में नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड होने के बावजूद भी आपको क्या ट्रीट करा जाएगा? अनसिक्योर्ड। मतलब आपको एक बात बताओ, सिक्योर्ड वालों की लाइन लगी हुई थी, पैसे लेने के लिए सारे खड़े हुए हैं, एक एक नंबर आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, जैसे ही उसका नंबर आया कह रहे तुम निकलो, तुम वापस जाओ लाइन में लगो। तुम कौन सी जाके लाइन में लगो? अनसिक्योर्ड वाली। तो उसके मन में क्या होगा, ऐसे कौन करता है भाई? हाँ, कह रहे मोर्टगेज डीड इनवैलिड थी। बताओ आप सिक्योर्ड होने के बावजूद भी क्या ट्रीट हो रहे हो? तो बताओ किसका फेवर हो रहा है? कंपनी का। और किसके अगेंस्ट में है? आउटसाइड। तो केस लॉ का नाम याद हो गया? केस लॉ का नाम सुनाएंगे, क्या था? ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको ना कुछ शेड्यूलिंग दे रहा हूं बेटा पढ़ने की, और मैं आपको ये कह रहा हूं आप 2 डेज तो चाहे जो मर्जी, क्योंकि
दो दिन मेन फेस्टिवल दिवाली वाले दिन हो सकता है 99% चांस आप ना पढ़ पाए, भैया दूज वाले दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बाकी डेज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा पूरा पूरा दिन, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, इंजॉय का टाइम भी है, लेकिन बेटा हमें अपने टारगेट्स जो चल रहे हैं वो तो निपटाने हैं। अगर आप दो एक मिनट का साथ दोगे तो बेटा हो जाएगी बात। ये देखो सोगा तक का आपने कर लिए थे क्वेश्चंस, अच्छा देखो दिवाली गिफ्ट आपका आ रहा है, सुनना, एक तो इस दिवाली ब्रेक में बेटा वो आप कंपनीज एक्ट पूरा लर्न करेंगे, एक तो ये होमवर्क है सिर्फ लर्न करना है, और मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि आपको क्लास में ही लर्न करवा दूं। तो ये तो मतलब लगा लो कि ये तो आप मेरी बात मान सकते हैं ना। और दूसरा बताऊं यार, आपकी बुक की बैक साइड पे ना पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वाइज, क्वेश्चन पेपर वाइज। अब उसमें से आप इतने तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर में सेल ऑफ गुड एक्ट से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 381 से लेकर 407 पेज तक जितने भी सोगा से रिलेटेड क्वेश्चन है ना बेटा, पेज नंबर 381 से लेकर 406 तक सोगा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बेटा आप कर लेना, तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी दिवाली टू ऑल इन, ठीक है, बाय बाय।